रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचर एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। बस आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए, वो मुझे मिलेगा आप लोगों के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के जरिए, ताकि मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहूँ। सो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर सीरीज, जो हमारी डीटर प्लस बी की सुपर सीरीज होंगी सिलेक्टेड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इन सीरीज के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे, और ये सीरीज आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू मिलेंगी। साथ ही आप लोगों को क्विज सेशन के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है ग्रुप, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पर हम क्विज भी स्टार्ट करेंगे, तो वो आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक वहां पर भी कंटिन्यू मुझे मिलना चाहिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों के सामने कंटेंट अवेलेबल होता रहे। सो स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी वाटरफॉल प्रणाली है? विक्टोरिया फॉल्स, एंजल्स फॉल्स, गुलफॉस या नियाग्रा फॉल्स। तो कौन सी वाटरफॉल प्रणाली है या लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम है, और करेक्ट आंसर है हमारे इसका ए ऑप्शन, यानी कि विक्टोरिया फॉल्स। और ये है हमारा साउथ अफ्रीका में, याद रखना है आपको, लोकेशन भी आप लोगों को याद रखनी है, साउथ अफ्रीका में है ये, एज अ टूरिज्म प्लेस है ये, और काफ़ी जाने माना या जैसे हम कह सकते हैं फेमस, बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं दूर दूर से, तो एज अ टूरिज्म प्लेस भी, और साउथ अफ्रीका में है, ये याद रखेंगे। अब आप लोगों के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, बताना है, इंडिया का हाइएस्ट या लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? हिंट आप लोगों को दे दूं, कर्नाटक में है ये, ठीक है। अब नाम बताना है आपको कौन सा है कमेंट सेक्शन में, ताकि आप लोगों के रिवीजन और अच्छे से कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेयर इज द शमेरू वोल्केनो लोकेटेड, शमेरू ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बर्मा, इंडोनेशिया, इटली या हवाई। तो सही आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में शमेरू ज्वालामुखी स्थित है, शमेरू वोल्केनो याद रखेंगे, और इंडोनेशिया के आप लोगों को कैपिटल याद रखनी है, जकार्ता इज अ कैपिटल, अच्छे से याद रखेंगे। बर्मा, जिसका पुराना नाम था म्यांमार, कई बार कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बर्मा और म्यांमार के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों एक ही हैं, पहले बर्मा का नाम म्यांमार था, अब उसे चेंज करके बर्मा कर दिया, और इसकी कैपिटल भी आप लोगों को याद रखनी है नेपिटो, नेपिटो इसकी कैपिटल है याद रखेंगे। इटली, इटली की कैपिटल है रोम, ये भी याद रखेंगे। हवाई, हवाई की कैपिटल है होनोलुलु, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो ये आप लोगों को कैपिटल्स के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा में, वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ सीरीज इज गिवन विच वन ऑफ टर्म मिसिंग, एक पद है यहाँ पर जो लुप्त है, तो उसके अकॉर्डिंग, मिसिंग टर्म के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो हमें टिक करना है। सबसे पहले तो ये सीरीज को समझना होगा कि ये सीरीज कैसे कंटिन्यू हुई है, 283 को 94 कैसे बनाया है, 94 को 31 कैसे बनाया, 31 को 10 कैसे बनाया है। जब हम इस सीरीज को समझेंगे, या ऐसे सीरीज में आप लोगों को कुछ ज़्यादा खास इतना मतलब कि ट्रिक या कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, नॉर्मली यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चार टर्म्स एक साथ यूज़ होती हैं, या तो कभी दो यूज़ हो जाएंगी एक साथ, या ये दो यूज़ हो जाएंगी, या ये दो यूज़ हो जाएंगी, मतलब होंगी, या सिंगल भी यूज़ हो सकती हैं, बस यही चारों हमारी टर्म्स होती हैं कभी कभार, या स्क्वायर एंड क्यूब्स के अकॉर्डिंग भी हमारा कई बार मतलब कि आ जाता है। तो अब आप लोगों को कैसे याद रखना है, मतलब कैसे कंटिन्यू करना है इस क्वेश्चन को, देखिए अगर हमने इस सीरीज को समझा है अच्छे से, तो हम थोड़ा सा अगर माइंड या लॉजिक लगाएं, तो 283 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी तो ये हो जाएगा 282, डिवाइड करूंगी मैं 94 से तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 94 से नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 94, जो यहाँ पर हमें टर्म दे रखी है। अब 94 में से मैं 1 माइनस करूंगी तो ये हो जाएगा 93 अपॉन में 3 का सीक्वेंस अगेन रखेंगे, और जब मैंने इसे डिवाइड किया तो ये 31 पर गया, अगेन मैं 31 में से 1 माइनस करूंगी तो 30 अपॉन में 3 गया अगेन, तो ये हो जाएगा 10। तो मतलब आपको सीक्वेंस समझ आ गया, माइनस 1 करना है और डिवाइड में से 3 करना है, तो सही आंसर हमारा जो लास्ट में जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आएगा, 10 माइनस 1 मैं अगर करती हूँ तो 9 बचेगा, और 9 में से मैंने ये किया तो ये आया हमारा 3, इट मीन्स 3 इज अ करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोगों को पर्टिकुलरली एक वर्ड दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर नहीं बन सकता इनमें से, तो कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता वो बताना है, तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका बी ऑप्शन, यानी कि TALCUM, क्योंकि M इंक्लूडेड नहीं है इस पूरे वर्ड में, आप लोगों को दिख रहा होगा
एम नहीं है, इट मीन्स ये वाला जो वर्ड है ये हमारा पर्टिकुलरली में नहीं बन सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर 20। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो वन नंबर अगर 40 है तो अदर नंबर कौन सा है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मतलब रिपीट करके हर बार पूछा गया है, तो सिंपल सा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम लेट करके चलते हैं, लेट मैंने कर लिया कि जो अदर नंबर है, जो दूसरी संख्या है वो है एक्स, ठीक है। तो एक्स मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला ऑलवेज कंटिन्यू चलेगा। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, 40x हो जाएगा। एलसीएम हमें 120 दे रखा है और एचसीएफ कितना दे रखा है हमें 40, ठीक है, सॉरी 20। तो एक्स हमारे यहीं पर रह जाएगा, 120 इंटू हमारा 20 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 पर, और 3 टू द 60 मतलब 3 टू द 6 एज अ 60 के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग जब तक इन क्वेश्चंस को सेल्फ नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं आएंगे, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सेल्फ करके देखिए, तो आप लोगों को एक अच्छे से पैटर्न पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर रिमूव एंड रिप्लेस विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज द फाइनल मिक्सचर ऑब्टेन। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण से अगर 10 लीटर अलग करके उसमें फिर उतना ही शुद्ध दूध या मतलब प्योर मिल्क मिलाया जाए, तो नए मिश्रण का एज अ दूध और पानी के अकॉर्डिंग क्या रेशियो बनेगा। तो इसे हम अच्छे से बिल्कुल मतलब कि एक माइंड लगाकर फोकस लगाकर इस क्वेश्चन को समझेंगे और समझने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें इन रेशियो के अकॉर्डिंग वाटर और मिल्क के अकॉर्डिंग पूरा एक मतलब कि करेक्ट वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए 20 रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालती हूँ तो ये हो जाएगा, ये मैं निकाल रही हूँ सबसे पहले किसका है, दूध का, यानी कि मिल्क। मिल्क के अकॉर्डिंग जो आएगा हमारा, इसको मैंने किया तो ये होएगा 12, ठीक है। और वाटर का अगर मैं करती हूँ तो 20 अपॉन में 2 बाई ये, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 के अकॉर्डिंग 8। तो मिल्क और वाटर की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, मिश्रण में अगर 10 लीटर अलग कर दिया जाए, तो हमें अगेनली अलग किया है 10 मतलब कि लीटर के अकॉर्डिंग, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा। तो 10 3/5 के अकॉर्डिंग अगर मैं ये करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 6, और 10 मल्टीप्लाई 2/5 के अकॉर्डिंग ये मैंने किया तो ये हो गया 4। मतलब दो हमारे टर्म के अकॉर्डिंग निकली है, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग और सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग, दो हमारी टर्म्स निकल गई हैं। अब हमें क्या करना है कि जो रिमेनिंग मतलब कि मिल्क है वो हमें माइनस करके बताना होगा, क्योंकि पहले 20 लीटर के अकॉर्डिंग था और फिर कितना हो गया, उसमें से हमने 10 माइनस कर दिया। तो ऐसे ही हम सेम करेंगे, 12 में से अगर मैं 6 माइनस करती हूँ तो कितना हो जाएगा, ये एज अ हमारा निकल जाएगा 6 लीटर मिल्क, ठीक है, याद रखेंगे मिल्क की वैल्यू है। और ऐसे ही अगर मैं 8 माइनस 4 करती हूँ तो ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी, एज अ वाटर की वैल्यू निकल गई, ठीक है, 6 और 4 की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या किया है इन्होंने कि उतना ही दूध मिला दिया है, मतलब 10 लीटर अगर रिमूव किया है तो 10 लीटर ही इन्होंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग हमारे पास मिल्क की जो वैल्यू आई थी 6 आई थी, तो 6 में अगर मैं 10 ऐड कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा ये 16। इट मीन्स मिल्क की जो फाइनल वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, 16 निकली है, और हमारे पास जो वाटर की वैल्यू बची थी वो कितनी बची थी हमारे पास 4, यानी कि 16:4 आएगा। और इसको जब मैं एज अ मतलब कि पूरा फाइनल कट करके इसको आंसर निकालूंगी तो 4:1 निकलेगा। तो इट मीन्स बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी वीडियो को पॉज करके आप लोग रिपीट करके देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोगों को इनकरेक्ट स्पेल्ड के अकॉर्डिंग स्पेलिंग के अकॉर्डिंग वर्ड दे रखा है, तो कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है बतानी है, कंटिन्यूटी, नेसेसिटी, अपॉर्चुनिटी या क्रेडेंशियल। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग ये नहीं होती, APPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी ये होती है,
तो याद रखेंगे, ठीक है? अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। एट क्वेश्चन है हमारे सामने, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अगर हस्बैंड और वाइफ किसी ना किसी वजह से अलग हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो वो सही आंसर के अकॉर्डिंग बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि एलिमनी। तो ये जरूरी नहीं है कि वाइफ के लिए हो या हस्बैंड के लिए हो, दोनों में से कोई भी अगर अलग हो रहे हैं किसी ना किसी वजह से, मोस्ट ऑफ डाइवोर्स की वजह से होता है, तो एज अ जो सही मतलब कि यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आएगा तो वो है हमारा एलिमनी, याद रखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का मतलब होता है विरासत, और विरासत या जिसे हम कह सकते हैं जो हमारी धरोहर होती है, या किसी भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर इसे डिनोट किया जाता है कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों को मिलती है, मतलब इस तरीके से इसे बोला जाता है। एंटीमनी, एंटीमनी अगर मैं बात करूँ तो एज अ केमिकल है ये, साइंस की लैंग्वेज में से केमिकल कहा जाता है। पर्सीमनी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, सेकेंड क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे पर्सीमनी होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं जिसे बोला जाता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसके अंदर क्या की वैल्यू आती है, मतलब कि जैसे अगर मैं लिख दूं राम गाना गा रहा है, ठीक है, तो क्या गा रहा है, तो आंसर क्या निकला हमारा, गाना गा रहा है। तो ये हो गया सकर्मक, जिसमें काम होता है, मतलब काम को मेंशन किया जाता है, और काम क्या है, गाना गाने का। अगर मैंने अकर्मक के लिए लिखा वह हंस रहा है, हंस रहा है, इसमें मुझे कोई काम की वैल्यू नहीं नहीं दिखली, मतलब दिखी तो काम नहीं दे रखा इसके अंदर, बस अगर मैं इसको क्या से डिनोट करूं वह क्या हंस रहा है, तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो वो हो जाता है मेरा अकर्मक। तो क्रिया के दो भेदों के अकॉर्डिंग सकर्मक और अकर्मक आता है, तो सेकंड यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या काल। तो सही आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि काल से। काल किसे कहते हैं, जब किसी के काम के करने होने का पता चले, चाहे वो भूतकाल में हुआ हो, चाहे मतलब कि प्रेजेंटली वर्तमान काल में हुआ हो, या होने वाला है एज अ फ्यूचर जिसे हम कहेंगे भविष्य काल, तो वो हमारा क्या कहलाता है, काल यानी कि टेंस कहलाता है। और इसके थ्री टाइप्स होते हैं आप लोगों को पता होगा, नॉर्मल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन विच ईयर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लॉन्च्ड सेकेंड टाइम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी बार किस वर्ष शुरू की गई थी। तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी कि 1986 में इसे शुरू किया था। और किसने शुरू किया था, सबसे पहले तो इसका मोटिव क्या था, इसका मतलब कि ऐसा क्या लॉजिक था, किस लिए स्टार्ट किया था, गांव में और शहरों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि 1986 की अगर बात करें तो हमारे देश को आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ ही साल हुए थे, तो उस टाइम एजुकेशन का ज़्यादा इतना मतलब कि जोर नहीं था, तो शिक्षा को गाँव और शहरों में बढ़ावा देने के लिए इस नीति को, इस पॉलिसी को स्टार्ट किया गया इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी द्वारा, इसे कंटिन्यू किया गया था। तो 1986 में याद हुआ मतलब कि कंटिन्यू हुआ था। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मतलब क्वेश्चन भी है एडवाइस भी है, कि जो भी अब तक हमारे एजुकेशन एक्ट हुए हैं, मतलब कि जितने भी हमारी संस्थाएं हैं एजुकेशनल एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी चीज़ें कंटिन्यू हुई हैं गवर्नमेंट के जरिए, तो वो आप लोगों को याद रखनी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी एक्ट या एजुकेशन पॉलिसी कब आई, या हमारे राइट टू एजुकेशन है, या पोस्को एक्ट कब हुआ, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी, फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा आप रिवाइज कंटिन्यू करते रहिए अपने सेल्फ रीजन के अकॉर्डिंग, बाकी चीज़ें हम कंटिन्यू करते रहेंगे। डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में या दो के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो कौन से अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, कौन से संशोधन में ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 86 में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगेनली दे देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, राइट टू एजुकेशन ये कब स्टार्ट हुआ था, ईयर बताना है आप लोगों को, जिसमें
थोड़ा सा ये कोरिलेटेड है इससे, बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को ईयर बताना है कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा राइट टू एजुकेशन, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 86th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। 66 के अकॉर्डिंग, सॉरी 86 के अकॉर्डिंग संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? तो यह बताना है करेक्ट आंसर। तो यह है हमारा सही आंसर, इट इज डी ऑप्शन, यानी कि 2010 से। लास्ट क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को शायद यही क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को अगर, वैसे तो बता ही देंगे कॉमन वही क्वेश्चन है, आंसर भी यही आएगा, बट आप लोगों के अकॉर्डिंग देखती हूँ मैं आप लोग कितना चेंज करते हैं, क्योंकि इसके दो ऑप्शंस आ जाते हैं। कई बार जो आप लोग आंसर देंगे वो भी आ जाएगा, कई बार ये भी आ जाता है, तो जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू और सही बताएंगे आप लोग। विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर कवर्ड अंडर 86th अमेंडमेंट एक्ट? किस आयु तक के बच्चों को एज अ 86वें संशोधन के तहत आते हैं? तो वो है हमारा सही आंसर, 6 से 14 साल के बच्चों को एज अ, मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं करेक्ट मतलब शिक्षा का, मतलब कि पूरा एक जिसे दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मतलब कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है, शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। ड्राफ्ट राष्ट्रीय नीति 2019 डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति सिफारिशों पर आधारित है। ड्राफ्ट राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2019 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 3 से 18 वर्ष के बच्चों तक विस्तार करने की सिफारिश की गई। तो कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि तीनों ही पॉलिसीज आज के टाइम पर कंटिन्यू है, तो सही आंसर है हमारा इसका डी ऑप्शन। तो ये थे आप लोगों के सामने सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हमने कंटिन्यू करे हैं, कवर करे हैं। बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देना है। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।